दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू क्रिएट रिएक्शन 2.0। आज का रिएक्शन खान सर वीडियो से लिया गया है। वीडियो का टाइटल है, क्या सच में तालिबान पाकिस्तान के दो टुकड़े कर देगा? वैसे भी आप देख ही रहे हैं सोशल मीडिया पे कि पाकिस्तान में बम फूट रहा है, पाकिस्तान में धमाका हो रहा है, हजारों लोग मर रहे हैं। तो चलिए खान सर के साथ वीडियो में देखते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करिए। वीडियो को ओरिजिनली डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से आप वॉच कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज बलूचिस्तान, उसकी राजधानी, बहुत सारे खनिज भरे हैं सब बलूचिस्तान, लेकिन बलूचिस्तान पाकिस्तान, देखिए ये है अफगानिस्तान, ये क्या है अफगानिस्तान ने तालिबान का जन्म दिया। किसका दिया? तालिबान, तालिबान। अमेरिका ने तालिबान को स्टार्ट किया, पाकिस्तान ने सपोर्ट किया। हाँ हाँ, शरिया कानून होना चाहिए, इस्लामिक कानून होना चाहिए, ये होना चाहिए। मारा सब तालिबान वाला, रूस को हरा दिया सब, 10 साल लड़ा सब रूस से, हरा दिया सब, फिर 20 साल लड़ा सब अमेरिका से, उसको हरा दिया सब, इतना मारा सब यहाँ पे, भले अपने चौपट हो गया सब, भले क्या हो गया सब अपने चौपट हो गया। उन सब को विदेश संभालने नहीं आ रहा है, कह रहा है कि जापान के मंत्री से बात किए थे, कोने फाइल में लिखे थे। अरे यार, उसका पूरा प्रॉपर होता है, आपके विदेश मंत्रालय में विंग्स होते हैं, एशिया विंग, यूरोप विंग, अफ्रीका विंग। अब आप एशिया विंग में जाइए, अब एशिया में ईस्ट एशिया, साउथ एशिया होता है, अब उसका हर देश का एक इंचार्ज होता है, वहाँ कुछ अते पते नहीं चल रहा है। जैसे कैसे गांव में नेता लिखा जाए, फूफा के यहाँ चल भी लो बहना, वैसे भारत से कह रहा आपको ट्रेनिंग दीजिए कैसे विदेश नीति को संभालना है। तो पाकिस्तान ने तो तहस नहस कर दिया, समझ आ गया कि नहीं आ गया? पाकिस्तान पूरा तहस नहस कर दिया। किसको? अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान में तालिबान हावी हो गया। अब इसी तालिबान का एक रिश्तेदार आ गया यहाँ पे, टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। ये कह रहा है जिस तरह से तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया, हम बलूचिस्तान पे करेंगे। ले हो गया यहाँ, अब ये दौड़ा दौड़ा मार रहा है सब आर्मी वालों को यहाँ से, और बलूचिस्तान गारंटी भारत से निकल, पाकिस्तान से निकल जाएगा। अब मोदी जी लाल किला में भाषण दे दिए कि बलूचिस्तान के लोगों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। अब बलूचिस्तान वाला और हाँ, ये तो मोदी जी बोल रहे हैं भाई, यहाँ पे बस उनका मनोबल बढ़ गया। अब वहां टीटीपी के आतंकवादी हैं सब, उनको वो उग्रवादी कहता, वो कहता है हमको, हमारे देश में विकास नहीं करता, हमारे राज्य में कोई विकास नहीं होता, पहाड़ ऐसे ही छोड़ दिया, मारते हैं सब धरधरा के। अब अच्छा, ये हैं सब भी पाकिस्तान वाले, यहाँ एक मुस्लिम कम्युनिटी रहती है इसी के आसपास, उनको कहते हैं अहमदिया मुस्लिम। ये पाकिस्तान वाला कहता है तुम मुस्लिम नहीं हो, तुम अच्छे मुस्लिम नहीं हो। अच्छा, मुस्लिम अच्छा मुस्लिम नहीं है या मुस्लिम नहीं है तो जीने का अधिकार तो सबको है, उसको लाइन से खड़ा करके गोली मार देता है सब। अब अहमदिया भड़का है सब वहाँ पे, तालिबान वाला भड़का है सब, तहरीके तालिबान कहाँ है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान में। तहरीके तालिबान पाकिस्तान किस राज को उड़ाने वाला है? बलूचिस्तान। चाइना की नजर थी बलूचिस्तान पे, वहाँ खनिज बहुत ज्यादा था, तो चाइना ने यहाँ से दोहन करने के लिए प्लान बनाया, क्या किया जाए? तो यहाँ पे एक बंदरगाह है, ग्वादर बंदरगाह, ये एशिया का सबसे गहरा बंदरगाह, और बंदरगाह जितना गहरा रहेगा उतना अच्छा होता है। पहाड़ खड़ी है वहीं पे, क्या है? बंदरगाह। नीचे देखिए कौन बंदरगाह? ग्वादर बंदर, कौन सा जगह है? ग्वादर। तो चाइना ने ग्वादर बंदरगाह को विकसित किया, पाकिस्तान को पैसा दिया, पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा पैसा दे दिया कि भैया बनाओ तुम, क्या बंदरगाह बनाओ? कौन बंदरगाह? ग्वादर बंदरगाह। और कहा यहाँ से एक सड़क बनाओ सीधे चाइना तक, सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। बताइए सड़क कहाँ तक जाती है? सीपीईसी सड़क, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अभी सड़क बनाने के लिए तो बना दिया, चाइना ने कहा ये सड़क बनाइए हमसे कर्जा, इन सड़क के साइड साइड में बिजली घर बनेगा, हाईवे बनेंगे, पावर प्लांट लगेगा, हाइड्रो पावर प्लांट लगेगा, इंडस्ट्री लगेगी, टोटल 11,000 फैक्ट्री का वादा कर दिया। कौन? चाइना। लेकिन चाइना को तो मेन दिक्कत जानते हैं किससे था? भारत से डर था। देखिए ये कोई सड़क उड़क नहीं है, बात समझिए, चाइना को इस बात का डर था कि इसका सारा सामान जाता है या तो अफ्रीका, या तो मिडिल ईस्ट, या तो ये यूरोप में, या फिर ये जाएगा साउथ इस साइड में। अब जैसे यहां जाएंगे, भारत का यहां है अंडमान निकोबार,
मुहे कूच दिया जाएगा यहां से। इस जगहिया का नाम है मलक्का। क्या नाम है? मलक्का। पातर गली है, इस गली में आएंगे ना थुथुरे पूछे देंगे लोग। आज ससुरत ने यहाँ पे यहाँ थल सेना, वायु सेना, नौ सेना तीनों रहती है। जहां तीनों सेना रहती है उसे थिएटर कमांड कहते हैं। क्या कहेंगे? थिएटर। और फिल्म वाला थिएटर नहीं, यहाँ असली फिल्म चलता है। तो थिएटर कमांड कहाँ है? अंडमान। पाकिस्तान डर गया, पाकिस्तान डर गया। चाइना, पाकिस्तान नहीं चाइना डर। Oh my God, what happened in the time of war? बेकूफ है ये। उसका पूरा व्यापार बंद हो जाएगा। अब क्या करें वो? तो सोचा कि क्या किया जाए। तो कहा पाकिस्तान को बेकूफ बनाते हैं। कहा कि देखो पाकिस्तान, देखो देखो तुम्हारा यहाँ बंदरगाह बना देते हैं, ये बलूचिस्तान में 11,000 फैक्ट्री बना देते हैं। अब इन फैक्ट्री से जो सामान बचे बनेगा तुम कैसे बेचोगे? तुम तो चाहोगे तो चाइना में भी बेच सकते हो। हम एक सड़क बना देते हैं, तुम यहां से सड़क में बेच देना। इस ससुरा बैल फंस गया, सीपीसी सड़क बनवा लिया, बंदरगाह बना लिया, कर्जा इतना ले लिया कि पाकिस्तान को 3 बार बेचिएगा तब वो चाइना का कर्जा नहीं उभरे। बिहार में लोग एक के जमीनवा को 3 बार बेच देते हैं। देखिए बड़ी समस्या है यहाँ पे, पटना के आसपास का एरिया में देखिए बड़ी सब। बिहार में, बिहार सरकार ने एक बार कहा था कि हमारे यहाँ 50% मुकदमे जमीने से जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये कमोबेश हर जगह की समस्या, केवल बिहार की नहीं, कमोबेश हर जगह की ये समस्या आपको देखने को मिल रही है। अब जे पाकिस्तान को 3 बार बेचिएगा ना तो किसका कर्जा निकलेगा? चाइना के। अब बताइए ये क्या होगा? अब उसके बाद बड़े हैं सब ये तालिबान वाले। अभी पाकिस्तान ये हो गया, सड़क बना लिया। चाइना को लगा कि बहुत होशियार है, कर्जा जब तक नहीं चुकाओगे बंदरगाह चाइना का, फैक्ट्री चाइना की, सड़क चाइना, टोल लगाएगा चाइना, पाकिस्तान की सड़क गुजरेगी, पैसा ले जाएगा चाइना। देख रहे हैं, अपना पैसा घरे में रखने से अच्छा, जैसे भारत के पैसा आरबीआई में, नेपाल में सड़क बना दो। जब तक नेपाल कर्जा ना देगा तब तक वो अलग बात है, टोल तब तक हम लेंगे, कितना फायदा है। चाइना को लगता था वही होशियार है। अरे आओ कभी इन आतंकवादियों से मिलो। पाकिस्तान में उभर गया यहाँ पे टीपीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। कहा कि पाकिस्तान से आजादी चाहिए हमको। किससे आजादी चाहिए? पाकिस्तान से आजादी चाहिए। मारो पाकिस्तानियों को, लगे सब पाकिस्तानियों को मारने। उस समय दिक्कत हो गया। बाद में इन सो को किसी ने समझा दिया। अब आप इशारा समझिएगा कौन समझ, कौन देश समझाया होगा। सरकारी लोग, हम टीपीपी वालों से कहते हैं कि देखो चाइन पाकिस्तान के पीछे कौन खड़ा है? चाइन। 2020 और 21 में कम से कम 60-70 को वीडियो में बार बार इस चीज का जिक्र किए थे कि टीपीपी तब तक कामयाब नहीं हो सकती है जब तक चाइना वहां पे है। और चाइना वाले को, टीपीपी वाले को किसी ने समझा दिया कि मेन पीछे कौन है? चाइना। तो तुम दोनों को देखो, किसको? चाइना को भी, पाकिस्तान। टीपीपी वाले का, चाइना वाले को खोजने में भी दिक्कत नहीं आएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अभी जागल है कि सूतल, पते नहीं चलता। अब तालिबान वाला सब लगा सब चाइना वाले को मारने, खोज खोज चाइना वाले को मारने लगा। चाइना पाकिस्तान को कह रहा है हमारे लेबर की सेफ्टी दो, नहीं तो उनके मरने पे जुर्माना लेंगे तुमसे। कहा कि महाराज अब कर्जा ना चुका पा रहे, जुर्माना कहां से देंगे? चाइना के सारे लेबर भाग गए, एम्प्लॉयज भाग गए, सब के सब लेबर एम्प्लॉय क्या हो गए? चाइना। कहां पे? चाइना। और वहां उसकी 11,000 फैक्ट्री लगते रह गई। इस सब चीज क्या हो गया? रद्द हो गया, कोई फैक्ट्री नहीं लग पाई। समझा गया कि नहीं गया? और उसका सीपीसी प्लान बेचारा चौपट हो गया। और बहुत अच्छा है तालिबान क्या करे, बलूचिस्तान को निपटा दे। अब बलूचिस्तान को बहुत जल्दी क्या करेगा? निपटाएगा। बलूचिस्तान को क्या करेगा? क्योंकि ये पाकिस्तान वाले बहुत ज्यादा भेदभाव करते हैं। पाकिस्तान दो गुना था जी, जिन्ना दो जगह नाचने लगा था, एगो इधर था, एगो ये पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, आइए पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान वाले पूर्वी पाकिस्तान को कहते थे तो तुम लोग काला काला है। अच्छा, कोई काला है तो इससे क्या मतलब है? कहता तुम बंगाली है, तो बंगाली है तो क्या दिक्कत है भाई, ये कोई बात है? वहां के लोगों को इतना टॉर्चर किए सब कि इन्होंने अपने ही देश से अलग होके बांग्लादेश बना लिया, अपने ही देश से अलग होके। भारत को मौका मिल गया, भारत ने कहा बांग्लादेश बनाना है, पाकिस्तान से अलग होना है। AK-47 कोई दिक्कत नहीं है, टैंक, नेवी, एयरफोर्स,
सेना का कमांडर भी कोई बात नहीं, मानेकशॉ मार के उड़ा दिया पाकिस्तान को, नक्शे बदल दिया यहाँ पे इंदिरा गांधी ने, क्या किया नक्शे बदल दिया यहाँ पे, बेचारा पाकिस्तान का मुंह लटक गया यहाँ पे। पीओके लेगा, तुम अपना तो पहले ले लो, जो तुम्हारा था, अपना घर संभल नहीं रहा है, दुनिया में राज करने निकले ये बकलोल सब। आगे बढ़े तो सीपीसी सड़क के लिए सबसे बड़ा संकट कौन है? हाँ, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान का तालिबान, टीटीपी, और इस टीटीपी को यहाँ के तालिबान से समर्थन है। ये तालिबान कहता है कि देखो वो तो मेरा रिश्तेदार लगता है सब, हम उन लोगों को कुछ नहीं करेंगे, तुम अपने से निपटो। अब हो गया पाकिस्तान के साथ बवाल, उसका सबसे बड़ा राज्य टूटने के कगार पे, और अर्थव्यवस्था टूटेगी तो राज्य टूटेगा, और ग्वादर बंदरगाह बनाया कौन है? चाइना। आगे उसको कंट्रोल करेगा भारत। अरे भैया बलूचिस्तान टूटेगा तो बलूचिस्तान की चाइना से तो दोस्ती होगी नहीं, बलूचिस्तान जब देश बनेगा तो पाकिस्तान से तो दोस्ती होगी नहीं, तो कहाँ जाएगा भारत? भारत पहले ही पहुंच जाएगा, आइए हम गले लगाने को तैयार है। हमारे यहाँ कभी कोई, देखिए भारत में अगर चुनावी मुद्दा छोड़ दीजिए तो ना यहाँ किसी को हिंदू से प्रॉब्लम है ना मुसलमान से प्रॉब्लम, ये केवल एक चुनाव का मुद्दा होता है, अदरवाइज में कुछ नहीं। और लोग भी अब जागरूक हो गए हैं, धर्म के नाम पर चुनाव वगैरह इस चीज़ों पे मत है, हटाइए ये सब चीज़ों को धर्म का, यहाँ किसी को किसी से दिक्कत नहीं है। यहाँ हमारे यहाँ कोई ये नहीं, सब एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं, नहीं रहते हैं चुनाव ना रहे तो कोई दिक्कत है? अरे कोई बिस्कन्या सब न्यूज वाला, हाँ वहां जो बैठा रहता है सब निजुआ पे ना, पहले से उनका सवाल फिक्स होता है, आप यही पूछिएगा, पहले से फिक्स रहता है। आपको लगता है ना कि मुर्गा लड़ रहा है सब, पहले से प्रैक्टिस करके आया सब, वरना उनको अगर नहीं मिले रहे सब तो जितना जहर उगलता है सब वहां न्यूज पे बैठ के, किसी की हिम्मत ना हो उतना जहर बोल सके, खड़े देखिएगा एगो दूसरे धर्म को बोलेगा, दूसरे का उसके धर्म को बोलेगा, क्या मतलब बनता है भैया? सीधे से पूछो आपके धर्म में क्या क्या अच्छाइयां हैं, 10 बात बताइए, बताएगा एक्सेप्ट कर लीजिए, बहुत अच्छी बात। आप उससे पूछिए कि आपके धर्म में क्या अच्छाई है, आप उसको देख लीजिए, मिलजुल के रह लीजिए, खत्म कहानी ना। हमारा सही है, पृथ्वी तुम्हारे दादा का है, ऊपर वाले का है, हम इस पृथ्वी पे किराएदार हैं। एक किराएदार का यह अधिकार नहीं है कि कहे कि दूसरा किराएदार गलत है, क्योंकि अगर गलत है तो इस पृथ्वी का मालिक उस किराएदार को समेट देगा। डायनासोर इस पृथ्वी पे गलत थे, मालिक समेट दिया, लॉज खाली करो। जिस दिन जो धर्म जाति मानवता के लिए दिक्कत करेगी ऊपर वाला समेट देगा, लेकिन क्या है, क्या दो पैर पे चलने वाले को लगता है कि ऊपर वाले से ज्यादा पावरफुल यही है, इसलिए धार्मिक चीजों में नहीं रहिएगा, हर धर्म से रिलेशन अच्छा रखिएगा, चाहे आप जिस धर्म के, सब धर्म से रिलेशन अच्छा। कब फाइल आपका किस भगवान के पास पहुंचेगा किसी को नहीं पता, सब पैरवी करेगा, समझा गया कि नहीं? छोटे से समाज में रहते हैं तो मुखिया, वार्ड मेंबर, पुलिस वाला, डाकिया, पोस्ट ऑफिस सबसे बना के रखते हैं, कब किसका जरूरत पड़ेगा? वैसे भगवान से बना के रखिए, ईसा मसीह, वाहेगुरु, महावीर स्वामी, बौद्ध धर्म, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, इंद्र भगवान, सब, जब कभी फाइल अटके सब लोग भगवान आप ही सबसे सही आदमी है यार, इसका काम नहीं रुकना चाहिए, समझा गया? अब आप एक के भगवान को मान रहे हैं, कहीं दूसरे भगवान के बाद फाइल अटक ले, यार ये तो दूसरा वाला आदमी है, सबसे क्या करिए मिक्स करें, भगवान लोग कंफ्यूज हो जाए, कितना मिलनसार आदमी है आप, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? पाकिस्तान के दो बड़े बंदरगाह बताइए, ग्वादर और कराची, ग्वादर और कराची बंदरगाह, ग्वादर तथा कराची। 1971 की लड़ाई में हम लोग कराची बंदरगाह को उड़ा दिए थे, तो वहां की नेवी भाग गई थी ग्वादर बंदरगाह पे जहाज छोड़ के, अरे मार रहा है सो वहां बम गिरा रहा है सो, आग लगा दिया है सो कराची बंदरगाह, भाग गया सर। कराची बंदरगाह उसका बहुत बड़ा है, अगर कराची शहर गया तो पाकिस्तान गया, कराची उसकी आर्थिक राजधानी कही जाती है, पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची। पाकिस्तान का जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज मतलब पाकिस्तान का पूरी कंपनी है, पाकिस्तान में बीड़ी सिगरेट से लेके हवाई जहाज से लेके जितनी, हवाई जहाज कहाँ से बना लेगा सभी, सोचा मुर्गा लड़ा रहा है सभी, जो भी है जितनी कंपनियां हैं उन सारी कंपनियों का वैल्यूएशन मिला देंगे तो टाटा से नीचे है, पूरा का मिला दीजिएगा ना तो किससे नीचे है, और ये भारत जीत के ले जाएगा,
ये किस दुनिया में है सब हमको नहीं समझ में आता। कभी कभी हम देखते तो इन सबको हमको अजीब लगता है कि कोई इस जमाने में भी इतना पीछे कैसे हो सकता है। पढ़ा के कोई उतना पीछे नहीं किया जाएगा। जैसे मान के चलिए हमें आपको चौपट करना है तो कैसे चौपट करेंगे? भारत की राजधानी कोलकाता है बाबू, भारत की राजधानी कोलकाता है बाबू, आप लोग कोलकाता याद कर लेंगे। उसके कहेंगे भारत अमेरिका में पढ़ता है, भारत अमेरिका में पढ़ता है, तब आप याद करेंगे अमेरिका में पढ़ता है। और उस लाइक आप भी होने चाहिए कि आप एक्सेप्ट कर ले। यहां तो सोचो एक्सेप्ट नहीं करेगा, कह देगा मास्टर घसक गई लो, निपटा दे इसको, निपटा देगा वहां पे वहां। अब आपको अगर हम ये समझाए कि देखो बाबू सिंगापुर हमसे पीछे है, आप क्या कहिएगा? ए नाश्ता करके आइए, भूख लग गया आपको, दिमाग काम नहीं कर रहा है, निकलिए यहां से। लेकिन वो एक्सेप्ट कर लेता है कि भारत क्या है, पीछे है। आप अपना एक कार नहीं बना पाता है पाकिस्तान, अपना एक भी कार नहीं बना। और हमारे यहां टाटा है, टीवीएस है, महिंद्रा है, पूरा जबरदस्त बनती है कि नहीं? हालांकि विदेशी कार में भी है, टोयोटा है, होंडाई है, होंडा है, ये सब विदेशी है सर। लेकिन भारत की मारुति हर जगह, टाटा की गाड़ी उससे कोई टकराता है तो अपने मुंह फोड़ के चल जाता है, पूरा ट्रक है वो। हमारा वो टाटा की गाड़ी में वो पड़ोसी आदमी सीख रहा था, लड़ा लिया, और लड़ाने के बाद हम ही से आया कहने कि साहब मेरा गाड़ी बिगड़ गया। हम कहे हमको ना तुमसे कहना चाहिए कि तुम मेरी खड़ी गाड़ी में ले आके लड़ाया है, हमारा गाड़ी में नहीं हुआ कुछ, हैरियर में तनी मनी पेंट उन रुका, और उन बेचारा का पूरा थूथूर पचक गया था, पूरा लोहा बना दिया है वो। तो हम लोग की कंपनियां आगे निकलती हैं, लेकिन इन सूत्रों को समझ में नहीं आता। ये जगह कौन सा है? सिंध। कौन सा है? सिंध। ये तो हमारा ही है, अरे अभी भी हमारा है। कैसे? भारत का राष्ट्रीय गान सुने, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, समझा? पंजाब सिंध, यही वाला सिंध है, तो ये तो हमारा ही है। हमने राष्ट्रीय गान में कोई संशोधन नहीं किया है, क्यों संशोधन करेंगे? नक्शा में संशोधन कर लेते हैं, पंजाब सिंध गुजरात। आपको क्या लगता है जिस दिन बलूचिस्तान निपटेगा, इधर से जाएगा बलूचिस्तान, इधर से जाएगा सिंध, अच्छा ये वाले एरिया को तालिबान कहता है कि मेरा है, अफगानिस्तान को लौटा दो, पाकिस्तान का वो हाल है कि उसके सारे नेताओं को पता है कि इसका फ्यूचर नहीं, इसलिए जितना पैसा लूटना है लूट लो। सीपीसी समझ में आ रहा है? अब आप लोगों को समझ में आ रहा है इसका सर, एक दिन वापस हो जाएगा ये पाकिस्तान हम लोग को। दिक्कत ये है ना कि यहाँ के लोग जो होंगे ना, मतलब मेंटली बकलोल हो गए हैं, तो इन सब के लिए एगो साइड में ना अलग से बाउंड्री घेर के यूनिवर्सिटी खोलना पड़ेगा, और वहां 20 साल तक इन सब को क्वारंटीन करना पड़ेगा। 14 दिन के क्वारंटीन में इन सब जगह को कुछ नहीं होगा, कम से कम कितना दिन क्वारंटीन? 20 साल। इनको समाज में रहना सिखाया जाएगा कि सारे धर्मों के बीच में ठीक ठाक रह के जी सकते, 20 साल क्वारंटीन होगा, उसमें जाके पढ़ाया जाएगा, हम भी क्लास लेंगे और आगे बुलेट प्रूफ शीशा लगा के हम क्लास लेंगे। नहीं तो भारत में लड़कों के बीच में घुस जा सर, पैर छूते हैं सर, वो देखेगा अरे हाँ, तो मार के निकाल देगा सर। यहाँ वहां भी क्लास लिया जाएगा, लेकिन आगे क्या लगा रहेगा? आगे का क्लास मंडे को। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ऐसे ही ज्ञान से भरपूर, जियोपॉलिटिक्स से भरपूर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।